आप सब कैसे हो। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा बच्चों उदाहरण 13 को देखिए, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। उदाहरण नंबर बच्चों 13 यहाँ पे है, इसमें इसके बारे में बोला हुआ क्वेश्चन के अंदर बच्चों, जिसमें दो पासे को क्या हुआ, उछाला हुआ। बच्चों जब दो पासे को उछालेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, पहले उस पॉसिबिलिटी को लिखेंगे। पहले वन पे वन आएगा, दूसरे पास पे भी क्या आएगा, वन आएगा। फिर फर्स्ट को फिक्स कर देंगे बच्चों, और दूसरे वाले को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। फिर वन थ्री, वन फोर, वन फाइव और वन सिक्स। इसको ऐसे समझे बच्चों कि दो फ्रेंड है, पहला फ्रेंड अगर पासे को उछाला उसमें क्या आ गया, एक आ गया। दूसरा जो दोस्त उछाला उसमें भी क्या आ गया, वन आ गया। अब पहले वाले को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, दूसरे वाले को क्या करेंगे, चेंज करते रहेंगे। फिर उसी तरीके से टू वन, अब टू को फिक्स करेंगे, फिर क्या होगा टू टू। पहले वाले को फिक्स करना है, दूसरे वाले नंबर को धीरे धीरे क्या करना है, बढ़ाते रहना बच्चों। फिर टू थ्री, टू फोर, टू फाइव, टू सिक्स। अब थ्री को फिक्स करेंगे तो थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, थ्री फोर, थ्री फाइव, थ्री सिक्स। उसके बाद बच्चों फोर को फिक्स कर दिए, फिर इसके बाद वन, फिर फोर टू, फिर फोर थ्री, फिर फोर फोर, फोर फाइव, फोर सिक्स। उसी तरीके से फाइव को क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, उसमें क्या कर दिए, सिक्स को फिक्स कर दिए। पहले बच्चों टोटल को काउंट कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। सिक्स इसमें होगा बच्चों, सिक्स इसमें बारह, फिर अट्ठारह, अट्ठारह छः इसमें होगा, चौबीस, चौबीस में छः जोड़ेंगे तीस, और छः छत्तीस। टोटल कितना होगा बच्चों, छत्तीस। जब सभी नंबरों को काउंट करेंगे तो टोटल कितना होगा, छत्तीस। इसे ध्यान रखें बच्चों, जो टेबल दिया हुआ है उस टेबल का हेडिंग जो दिया हुआ है, दोनों पासों की संख्याओं का योग, योग का मतलब होता है जोड़ होता है, क्या था बच्चों, जोड़। तो पहला दो संख्या जिसका जोड़ कितना होना चाहिए बच्चों, दो होना चाहिए। तो इस टेबल को देखते हैं, इस टेबल में सिर्फ यही एक नंबर है जिनका जोड़ कितना है, दो है। बाकी का आगे अगर ऐड करेंगे तो तीन हो जाएगा, इधर तीन हो जाएगा। तो दो का जो जोड़ है बच्चों, सिंपल एक ही नंबर है जिसका जोड़ क्या है, दो है। तो दो वाले जो संख्या हो जाएगा बच्चों, एक हो जाएगा, टोटल कितना है, छत्तीस। तो इसमें जो नंबर फिल होगा बच्चों, वन अपॉन थर्टी सिक्स। यहाँ पर फिल करेंगे बच्चों, वन डिवाइडेड बाई टोटल कितना है, 36। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे उस टेबल में दो संख्या का योग तीन कितने बार है। दो संख्या का जोड़ बच्चों तीन, एक बार एक और दो को जब ऐड करेंगे तो तीन आएगा, दो और एक को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तीन आएगा। तो दो ऐसे नंबर है जिसका जोड़ कितना बच्चों, तीन है। तो ऐसे संख्या कितना, एक एक दो, और टोटल कितना है, 36। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों टू अपॉन 36। तो तीन वाले कितने संख्या बच्चों, दो है, और टोटल कितना है, 36। उसी तरीके से हम लोग फोर वाले को काउंट करेंगे। ऐसे कितने संख्या जिसका जोड़ बच्चों चार है, एक और तीन को ऐड करेंगे तो चार आएगा, दो और दो को ऐड करेंगे तो चार आएगा, तीन और एक को ऐड करेंगे तो चार आएगा। इस ये जो नंबर है बच्चों जिस पर एरो लगा रहे हैं, इन सब का जोड़ कितना है, फोर है। तो कितना है, एक दो तीन। ऐसे संख्या कितना बच्चों, तीन है जिसका जोड़ क्या है, चार है, टोटल कितना है, 36। सॉरी वन टू थ्री, तो थ्री हो जाएगा, टोटल कितना बच्चों, 36। इस फिलअप करेंगे बच्चों, थ्री डिवाइडेड बाई टोटल कितना है, 36। अब उसी तरीके से हम लोग फाइव को चेक करेंगे। फाइव में बच्चों जब वन फोर को ऐड करेंगे तो फाइव आएगा, थ्री टू को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, फाइव आएगा। फिर थ्री टू को ऐड करेंगे, फोर वन को ऐड करेंगे, तो कुछ एक पैटर्न बन रहा है बच्चों। इसको काउंट करो, वन टू थ्री फोर, और टोटल कितना है, 36। तो फोर अपॉन 36 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों फोर डिवाइडेड बाई 36। इसको अगर ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, एक पैटर्न पकड़ा, नीचे का नंबर तो सेम है, ऊपर का नंबर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब उसी तरीके से हम लोग सिक्स का चेक करेंगे। सिक्स में बच्चों जब वन फाइव को ऐड करेंगे तो सिक्स आएगा, टू फोर को ऐड करेंगे तो सिक्स आएगा, थ्री थ्री को ऐड करेंगे तो सिक्स आएगा, फोर टू को ऐड करेंगे फाइव। एक पैटर्न बनना बच्चों, काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव। ऐसे कितने संख्या जिसका जोड़ बच्चों सिक्स है, तो उस तरीके का जो संख्या वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव हो जाएगा, टोटल कितना, 36। तो लिखेंगे बच्चों फाइव डिवाइडेड बाई 36। अब उसी तरीके से सेवन को चेक करेंगे कि कितने ऐसे नंबर है जिसका जोड़ कितना बच्चों, सेवन है। तो सेवन बच्चों वन सिक्स हो जाएगा, फिर टू फाइव हो जाएगा, फिर थ्री फोर हो जाएगा, फोर थ्री हो जाएगा, फिर फाइव टू हो जाएगा, सिक्स वन हो जाएगा। बेसिकली बच्चों क्या है, एक डायगोनल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण। काउंट करते हैं, एक दो
तीन चार पाँच छः, तो हो जाएगा बच्चों 6 और टोटल कितना है 36, तो 6/36 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 6/36। अब उसी तरीके से हम लोग 8 को चेक करेंगे, 8 में बच्चों क्या हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा, फिर 5/3/6/2। सबसे लॉन्गेस्ट साइड बच्चों डायगोनल होता है, सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड है इसी में सबसे क्या होगा, बड़ी संख्या होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ 5/36। तो यहाँ पर लिखेंगे 5/36। ध्यान रखें बच्चों जो 7 पे है क्या होगा, सबसे बड़ी नंबर हो जाएगा 6/36, उसका धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ई वाला जो 6 जो नंबर है बच्चों, सॉरी 7 का जो नंबर है बच्चों वो डायगोनल है, जो लॉन्गेस्ट साइड है, इसीलिए क्या है 6/36 फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस टेबल से समझे बच्चे, पहले धीरे धीरे पहले यहाँ पे थे, फिर धीरे बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड है क्या है, बिकर्ण, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होगा। तो ध्यान रखें जो सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड है, जिसका जोड़ इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो सबसे जो बड़ी संख्या जो 7 वाले आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, ध्यान रखें इस बात का। उसी तरीके से बच्चों हम लोग 9 को चेक करेंगे, दो संख्या का जोड़ 9 कितने में आ रहा है, तो 9 में बच्चों एक तो आ रहा 36, एक आ रहा 45, तीसरा आ रहा 54, 63 आ रहा। तो इसमें काउंट करेंगे तो 1, 2, 3 और 4, तो 4/36 होगा। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 4/36। उसी तरीके से हम लोग 10 को चेक करेंगे, तो 10 में बच्चों जो नंबर हो जाएगा 4, 6, 5, 5 और 6, 4, तीन ही ऐसा नंबर है जिसका जोड़ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो लिखेंगे 3/36, तो लिखेंगे बच्चों 3/36। उसी तरीके से हम लोग 11 को चेक करेंगे, 11 में जो नंबर बच्चों 5 और 6 जिसका जोड़ कितना है, 11, और 6 और 5 जिसका जोड़ कितना है, 11। तो ऐसे कितने नंबर बच्चों, 2 नंबर है, तो लिखेंगे 2/36, 2/36। उसी तरीके से 12 को चेक करेंगे बच्चों, तो 12 में एक ही नंबर है जिसका जोड़ कितना है, 12 है, और टोटल कितना है 36, तो 1/36 हो। तो लिखेंगे बच्चों 1/36। बच्चों इसमें एक सीढ़ी की तरह, पहले सीढ़ी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर डायगोनल है सबसे लॉन्गेस्ट, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। जिसका जोड़ 7 है, जिसका जोड़ बच्चों 7 है वही क्या है, लॉन्गेस्ट है। और इसका जो संख्या 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। बच्चों इस टेबल को समझने में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखिए। फाइनली बच्चों इस टेबल को हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में बच्चों बोला हुआ, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है, यहाँ से काउंट कर रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 परिणाम है जिसको यहाँ पर लिख रखा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 है, प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है, क्या आप इस तर्क से सहमत है, कारण दीजिए। तो हम लोग बोलेंगे बच्चों नहीं, क्योंकि सभी का जो आंसर क्या है, अलग अलग है। इसमें बोला कि सभी का प्रायिकता क्या है, इक्वल है। यहाँ पे हम लोग जब टेबल देखे तो टेबल में प्रायिकता क्या बच्चों, यहाँ पे 2/36 है, यहाँ पे 3/36 है, सभी का जो प्रायिकता क्या है, अलग अलग है, इसीलिए क्या होगा, तर्क क्या होगा, इसमें बोला हुआ क्या आप इस तर्क से सहमत है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं। तो सेकेंड पार्ट का आंसर होगा नहीं, क्योंकि सभी नंबरों का प्रायिकता अलग अलग है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करेंगे बच्चों। 23 में बच्चों लिखा हुआ, एक खेल में 1 रुपए के सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है। अंडरलाइन करें बच्चों, कितना उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है। प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है, तीनों परिणाम समान होने पर, ध्यान रखें, तीनों परिणाम अगर समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। तो जीतने पर ध्यान रखें, तीनों परिणाम क्या होना चाहिए बच्चों,
सेम होना चाहिए, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता को परिकलित कीजिए, हारने का प्रायिकता बोला हुआ बच्चों। तो पहले हम लोग लिखेंगे टोटल पॉसिबिलिटी को, बच्चों तीन बार सिक्को को उछालेंगे तो जो टोटल पॉसिबिलिटी होता है आठ होता है। इसको लिखने का तरीका क्या है, आठों पॉसिबिलिटी के बच्चों शॉर्टकट तरीका है, उसे ध्यान से समझें। टोटल आठ पॉसिबिलिटी है तो अल्टरनेट करके लिखेंगे, पहले हेड लिखेंगे, टेल से भी स्टार्ट कर सकते हो बच्चों, ध्यान रखिए। हेड टेल कितना बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान रखें बच्चों तीन सिक्का को जब उछालते हैं तो टोटल जो पॉसिबिलिटी आता है आठ आता है। उसको लिखने का तरीका क्या है, अल्टरनेट लिखेंगे, पहले हेड लिखेंगे फिर टेल लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे फिर टेल लिखेंगे, पहले एक एक बार लिखेंगे बच्चों, फिर दो दो बार लिखेंगे, दो बार हेड। ध्यान रखें जिससे स्टार्ट करेंगे उधर भी इसी से स्टार्ट करेंगे, हेड से स्टार्ट करेंगे तो हेड, अगर कोई बच्चा टेल से स्टार्ट करेगा तो यहाँ टेल से ही स्टार्ट होगा। तो दो दो बार लिखना है, पहले एक एक बार लिखना बच्चों, अब दो दो बार लिखना है, ध्यान रखें। पहले एक एक बार लिखिए फिर दो दो बार, आप फोर फोर बार लिखेंगे, फोर बार हेड फोर बार टेल, फोर बार हेड और फोर बार बच्चों टेल। तो टेल 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 टेल, इसका याद करने का तरीका क्या है, 1 2 का 4, मतलब पहले एक एक बार लिखना है, फिर दो दो बार लिखना है और फिर फोर फोर बार लिखना है। और इधर से पढ़ेंगे तो 4 2 का 1, पहले फोर बार हेड लिखेंगे फिर फोर बार टेल लिखेंगे, फिर दो बार हेड फिर दो बार टेल और फिर 1 1 बार लिखेंगे। तो इसका गाना से भी याद कर सकते हो बच्चों, इधर से बोलेंगे 4 2 का 1, मतलब फोर बार फिर टू बार फिर 1 बार। इधर से पढ़ेंगे तो 1 2 का 4, मतलब पहले अल्टरनेट लिखेंगे फिर दो दो बार फिर चार चार बार। तो टोटल जो पॉसिबिलिटी आ गया बच्चों आठ होता है, ध्यान रखें टोटल जो पॉसिबिलिटी होता है कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिखेंगे कुल परिणाम जो आ गया बच्चों, इसमें कुल परिणाम कितना है, आठ है। उसमें जीतने का बोला बच्चों, जीतने का जो सेम आता है, जीतने का परिणाम बच्चों इसमें हेड 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 कितना बार आया, एक बार आया हुआ है यहाँ पे है जीतने वाला, और टेल टेल दोनों तीनों में सेम आना चाहिए। तो दो पॉसिबिलिटी ऐसा है, तो जीतने का परिणाम इसमें बच्चों दो है, और हारने का परिणाम कितना हो जाएगा, इन दोनों को छोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो हारने का जो परिणाम हो जाएगा इसमें, हारने का परिणाम कितना बच्चों, 6 है। तो हारने का प्रायिकता पूछा हुआ इसमें, हारने का, तो हारने का कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया, और टोटल कितना, 8। दो दो से कट हो जाएगा 3/4। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। थैंक यू।